विश्व शांति दिवस के अवसर पर सीकर में ज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम हुआ। 50,000 छात्रों से खचाखच भरा जिला स्टेडियम और उनके बीच खड़े आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर। छात्रों का एक ही सवाल था, घंटों स्टडी कर ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि आत्महत्या का मन करता है। श्री श्री रविशंकर ने इसके बाद परिवार, ज्ञान, ध्यान व चेतना के संगम से टेंशन भरे कोचिंग छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इससे पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मैं तो सीकर को रेगिस्तान समझता था लेकिन यहाँ तो हरियाली ही हरियाली है। यहाँ शुरू हो रही है, देखिए इतने बड़े पैमाने पर युवा जुड़े हैं। आज पूरे दुनिया को यहाँ से संदेश जा रहा है कि भारत के युवा शांति दूत बन के पूरे दुनिया में छाने के लिए तैयार हैं।